press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर जिले में रामगढ़ से विधायक ज्ञानदेव आहूजा का टिकट कटने के बाद अभी तक आहूजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके समर्थक और आलोचकों ने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी है। इनमें किसी ने यहां तक कहा कि इसमें सत्ता और संगठन की लड़ाई नजर आ रही है, जबकि चर्चा ये भी रही कि भाजपा के पुराने कार्यकर्ता, हिंदुत्व की छवि और 3 बार विधायक रहे आहूजा का भला कैसे टिकट कट सकता है। हम आपको बता दें कि ज्ञानदेव आहूजा हमेशा विवादित बोलों से चर्चा में रहे हैं, चाहे जेएनयू में कंडोम पर दिए गए बयान हो या गो तस्करी मामले में विशेष समुदाय पर की गई टिप्पणी, वो हमेशा मीडिया में सुर्खियों में रहे हैं। इस पर हमने कुछ लोगों से बात की और जाना कि उनकी टिकट कटने पर वो सुनिए क्या बोले। मैं ज्ञानदेव जी से लगभग 30 साल से अधिक से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसे लोग बाग प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वो एक जुझारू लीडर रहे हैं, बीएमएस के संगठन को उन्होंने बहुत बाखूबी खड़ा किया है और वो हार्डकोर हिंदू नेता हैं इस राष्ट्र में और हिंदुत्व की बात करते हैं, उससे चाहे किसी को कुछ नाराज़गी होती हो, लेकिन उनके साथ में रामगढ़ की जनता उनके साथ है और वो लोगों के काम करते हैं, बहुत सहनशील और अच्छे कार्यकर्ता हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य कि उनकी टिकट क्यों काटी गई। मुख्य कारण की अगर आप बात करते हो तो मुख्य कारण संघ और बसंतरा की पटरी ना बैठना, सच्चाई तो बखान करता हूँ जो मेरी समझ में आती है, ये मूल कारण रहा है। और वैसे बीजेपी चाहती है उनका स्टैंड, उनका आधार, जैसे व्यापार का आधार लगभग बेईमानी शुरू होता है, ऐसे बीजेपी का आधार भी मनमुटाव सांप्रदायिकता से, और उनने अति की और उपचुनाव कारण रहा। रकबर मामला ले लो आप, अपने जेएनयू का मामला ले लो, बहुत सारे ऐसे मामले जिन्हें अति बिसुदला जी। मेरी समझ में तो इन बयानों को विवादित नहीं कहा जा सकता। हिंदू हैं, हिंदूवादी बात करेंगे, गौ की हत्या होती है जो सभी के लिए बुरा है, पशु हत्या है चाहे आप उसको माँ माने या ना माने, लेकिन पशु तो पशु ही है। इस तरह का पशु है जो सबको फायदा देता है, नुकसान नहीं करता, उसकी गऊ की हत्या होती है, ये लोग गौ तस्करी करते हैं, उसके ऊपर अगर वो बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं। जेएनयू पे भी बोला तो अच्छा बोला, जो लोग कहेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो ये तो भारत का कोई भी नागरिक जो भारत में रहता है वो कोई भी नहीं पसंद करेगा। नहीं, जिस तरह आहूजा जी ने, उन्होंने कहा कि कंडोम्स मिलते हैं और इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें मिलती हैं जेएनयू में, नहीं नहीं, इस तरह के अगर कोई बयान दिए हैं तो वो गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ज्ञानदेव आहूजा का टिकट जनरली तो कटना नहीं चाहिए था, बाकी हिंदुत्व के ऊपर उनका ज़्यादा बोलना, रकबर मामले पर ज़्यादा बोलना, जेएनयू पे ज़्यादा बोलना, पार्टी की विचारधारा से थोड़ा सा अलग हटके, इस वजह से उनका टिकट कट गया। बाकी इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता का टिकट बीजेपी पार्टी को नहीं काटना चाहिए। देखिए, ज्ञानदेव जी को मैं एमएलए बनने से पहले से जानता हूँ। उनकी 2 बड़ी कमजोरी हैं। एक बड़ी कमजोरी ये है कि वो शुरुआत से ही आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे, तो इसलिए उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया और उनकी जो उनके विचारधारा के जो लोग थे वो जो उनके फूंक बढ़ते थे वही वो कहते चले जाते थे। जैसे जेएनयू के सवाल पर, अब जेएनयू में कितने कंडोम है गिने, तो आज फेसबुक पर जो सबसे बड़ा मजाक था कि कंडोम गिनने वाले गणितज्ञ विधायक का टिकट काटा, मतलब ये कोई ये विधायक का कोई काम नहीं होता है और इस तरह की मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट देने नहीं चाहिए। उन्होंने दिए, उन्होंने विधायक का कोई रोल अदा नहीं किया। या वो अकबर कांड में जिस तरह गौ तस्करी के सवाल पर मारा गया और उस पर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप राजा नहीं हैं, आप विधायक हैं, देश एक लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, या कि संस्थाएं हैं उनमें यकीन उनको नहीं था, वो ज़्यादा फुदकने लग गए थे इसलिए काट दिया टिकट, पार्टी तो काटेगी। फिलहाल चर्चा ये भी है कि ज्ञानदेव आहूजा को कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनके समर्थकों में निराशा और नाराजगी है। देखने की बात होगी आखिर भाजपा इन पुराने कार्यकर्ताओं को किस तरह मना पाती है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.